यस, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में कॉल्स इन एरियर्स किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग कॉल्स इन एडवांस लेने वाले हैं। ओके, तो कॉल्स इन एडवांस लेने से पहले हम लोग एक बार पूरी सारी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। एक बार सब रिवाइज हो जाएगा हमारा। फर्स्ट, फेस वैल्यू, issue price. If the face value is 10, you had issued the same at 10. 10 का share है, 10 में issue किया. We called it, it is at par. 10 का share है, 15 में issue किया. Add premium. 10 का share है, 7 रुपए में issue किया. एट डिस्काउंट, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकेंड पॉइंट था इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इफ आई इशूड द कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स एंड सब्सक्राइब्ड हुए 10,000, तो इस सिचुएशन को क्लास क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को बोलते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन। 10,000 इशू किए और 15,000 ने लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 इशू किए थे, सिर्फ 7,000 लोग ही आए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। ये हमारा था पॉइंट जो हमने रिवाइज किया था। उसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा था, जब जब कोई पैसा नहीं भरता, मैंने नोटिस भेजा, और अगर जब ने किसी ने पैसा नहीं भरा तो हम लोगों को कौन सी एंट्री मारनी पड़ती है, कॉल्स इन अरियर्स की। जब जब कोई पैसा नहीं भरेगा हमें मारनी पड़ेगी कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री। व्हाट इज द एंट्री ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और अगर फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। आया समझ में? यस, ओके। एप्लीकेशन में हमें कितना मंगवाना रहता है, एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए क्या है क्लास, तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, तो उसे कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। ओके, ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये चीज़ रिवाइज इसलिए करती हूँ ताकि जब क्वेश्चन आए तब आप लोग कोई भी आंसर मुझे गलत ना दो। ओके, किसी ने एक बार बोला था प्रीमियम तो मैडम एक्सपेंस होता है ना, कहाँ से एक्सपेंस होगा, प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा आप मंगवा रहे हो। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा मंगवा रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, प्रीमियम आपके लिए इनकम है। जहाँ 10 रुपये मंगवाने थे वहाँ आप 15 रुपये मंगवा रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है। ओके, कैपिटल क्या बोलता है हमें, कैपिटल बोलता है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल शेयर्स और ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट, राइट। ओके, नाउ मैंने जो जो बेसिक था वो सब एक बार रिवाइज करवा दिया है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्स इन एडवांस।
अब कॉल्स इन एडवांस में क्लास क्या होता है समझ लो, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस का मतलब अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि एडवांस मतलब जल्दी पैसा भरना, जैसे हम लोग बोलते हैं एडवांस में भरना, राइट, अभी ड्यू नहीं हुआ है वो पैसा लेकिन आपने पहले ही भर दिया, राइट, उसे बोलते हैं एडवांस ना। कॉल्स इन एडवांस में पूरा सिनेरियो समझाती हूँ आपको। कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले एप्लीकेशन का पैसा आपसे मंगवाएगी, फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगी और फिर फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएगी, मतलब हर बार नोटिस भेजेगी। एप्लीकेशन का पैसा तो आप खुद ही भर के जाते हो, समझो ₹5 एप्लीकेशन पे है, ₹3 एप्लीकेशन पे है, 2 अलॉटमेंट में, 2 फर्स्ट कॉल में, 3 फाइनल कॉल में, मतलब टोटल ₹10 आपसे मंगवाने हैं। टोटल कितने मंगवाने हैं, ₹10, तो वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो जब मैंने एप्लीकेशन का पैसा भर दिया, फिर कंपनी ने मुझे नोटिस भेजा अलॉटमेंट का, तो ठीक है मैंने अलॉटमेंट का भी भर दिया, एप्लीकेशन भी भर दिया, अलॉटमेंट भी भर दिया, लेकिन अभी 2 महीने बाद फिर से वो नोटिस भेजने वाली है, तो मैंने क्या किया क्लास, मैंने क्या किया बोलो, बोलो कोई डाउट है, किसने बीच में मुझे रोका ना, क्या हुआ, इसलिए आगे बढ़ते ना। एप्लीकेशन का पैसा आप मुझे भर के गए, अलॉटमेंट का पैसा मैंने नोटिस भेजा और आपने मुझे पैसा भरा अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का भी मैंने आपको नोटिस भेजा और आपने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भी भर दिया, लेकिन जब आपने मैंने नोटिस भेजा था कि मैडम सिर्फ ₹2 ही भरना है, नोटिस भेजा था कि फर्स्ट कॉल का सिर्फ ₹2 भर दो, लेकिन मैंने बोला क्या बार बार आप लोग नोटिस भेजते रहते हो, जो शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर ने क्या बोला, क्या कंपनी बार बार नोटिस भेजती रहती है, फिर जाना पड़ता है मुझे बैंक में, पैसा जमा कराना पड़ता है, छोड़ो मैं क्या करता हूँ, तूने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ना, चल फर्स्ट कॉल के साथ में अपना फाइनल कॉल का पैसा भी तुझे दे देता हूँ। मैंने मांगा, कंपनी ने मांगा कौन सा कॉल था, फर्स्ट कॉल, लेकिन शेयर होल्डर ने, सारे शेयर होल्डर ऐसा नहीं करते हाँ, कुछ कुछ शेयर होल्डर ऐसा करते हैं, कुछ कुछ शेयर होल्डर ने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल ही मैंने मांगा था, फर्स्ट कॉल के साथ उसने फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया, राइट, फर्स्ट कॉल के साथ कौन सा पैसा भर दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया, तो जिससे बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस, समझा, हाँ बोलो, बोलो ना, अरे आगे तो बोलो, मैंने सब लोगों को क्या भेजा, फर्स्ट कॉल का नोटिस भेजा, चलो सारे के सारे शेयर होल्डर्स, आप सब मेरे शेयर होल्डर्स हो, तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स अपने फर्स्ट कॉल का पैसा भरो, कितना पैसा भरना है, ₹2 पैसा भरना है, ₹2 पैसा भरना है, ओके अभी ₹2 पैसा भरना है, तो मैंने क्या किया, अब से फॉर एग्जाम्पल मानसी, तनिषा और काजल, ये 3 लोगों ने फर्स्ट कॉल के साथ सेकेंड कॉल का भी, फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया, फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया, किसने, सबने नहीं, सिर्फ ये 3 लोगों ने ही, फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया है, ओके तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, राइट, मैंने मंगवाया नहीं था क्या, मैंने बोला था मानसी, तनिषा और काजल को, बोलो क्या हुआ, किया मैंने ऐड, किया मैंने ऑलरेडी ऐड किया, ओके क्लास ध्यान दो, अब
फर्स्ट कॉल मैंने मंगवाया था, फर्स्ट कॉल तो मैंने मंगवाया था, क्या मानसी, तनिषा और काजल, मैंने बोला था आपको सेकेंड कॉल भरने के लिए? नहीं बोला था, मैंने सिर्फ बोला था फर्स्ट कॉल का पैसा भरो, लेकिन इन्होंने अपने आप से ही सेकेंड कॉल मतलब फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया, तो जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? क्लियर है सबको व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? ओके, अब इसकी एंट्री, जब मुझे फर्स्ट कॉल के टाइम मैंने नोटिस भेजा था आपको कि फर्स्ट कॉल का पैसा भरो, लेकिन आप लोगों ने मुझे साथ साथ फर्स्ट कॉल तो भरा ही, साथ साथ सेकेंड कॉल सॉरी फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया, तो मैं जब मुझे पैसा रिसीव हुआ एडवांस का, तो मैं एंट्री मारूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये कौन सी एंट्री मारी मैंने? जब मुझे पैसा रिसीव हुआ था, मुझे पैसा कब, कंपनी को पैसा कब रिसीव हुआ था एडवांस का, जब मैंने नोटिस भेजा था। किसका नोटिस भेजा था? फर्स्ट कॉल का, मतलब फर्स्ट कॉल के नोटिस भेजने के टाइम मुझे फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया, तो उस पैसे को बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो उस टाइम मुझे रिसीव हुआ तो मैं एंट्री मारूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस बीइंग द मनी रिसीव्ड अगेंस्ट फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल का पैसा है, ये फाइनल कॉल का पैसा है। अब इसके साथ क्लास आपको दूसरी एंट्री भी करनी होगी। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, अब मैं नोटिस किसका भेजूंगी? फाइनल कॉल का नोटिस भेजूंगी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे पैसा भर दिया था फाइनल कॉल का, क्या वो वापस से पैसा देंगे मुझे फाइनल कॉल का? क्या वो मुझे वापस से पैसा देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के टाइम उन्होंने सेकेंड कॉल का पैसा भी भर दिया था, तो वो वापस से मुझे पैसा नहीं देंगे। ओके, तो एक्चुअल में ये अब ड्यू होगा, तो एंट्री आएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कॉल्स इन एडवांस किसका पैसा है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये कब आता है? जब आप रिसीव करते हो, जब आप पैसा रिसीव करते हो। ये एंट्री कब आती है? जब एक्चुअल में ये पैसा ड्यू हुआ है, राइट? जब ये एक्चुअल में पैसा क्या हुआ है? ड्यू हुआ है। ड्यू हुआ मतलब मैंने मांगा नहीं था, जब इसकी बारी आएगी तब मैं एंट्री क्या मारूंगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। दो एंट्री मारनी है क्लासेस की, अच्छे से समझ लो। इसकी आपकी दो एंट्री आएगी, फर्स्ट एंट्री जब आपको पैसा मिला, सेकेंड एंट्री जब आपका पैसा एक्चुअल में ड्यू हुआ। ओके, ड्यू डेट थी सेकेंड कॉल की, लेकिन आपने फाइनल कॉल में ही पैसा भर दिया, तो जब फाइनल कॉल में पैसा भरा आपने, तो मैं एंट्री मारूंगी, कंपनी एंट्री मारेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, लेकिन जब एक्चुअल में ड्यू होगा तब एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगर फाइनल कॉल के अलावा वो फर्स्ट कॉल का पैसा है, से फॉर एग्जाम्पल फाइनल कॉल का एडवांस नहीं, फर्स्ट कॉल का एडवांस है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो एडवांस का पैसा अलॉटमेंट का है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कुछ भी हो सकता है। ये कॉपी कर लो, एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले ये कॉपी कर लो, सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लास अभी कॉपी कर लो फटाफट। ओके क्लास, दिस इज योर क्वेश्चन। अर्चना लिमिटेड इशूड, ध्यान देना, अर्चना लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब उसने कितने शेयर्स इशू किए?
10,000 शेयर्स इशू किए 10 का 1 at rupees 12, ओके मतलब 10 का शेयर है उसने 12 में इशू किया, 10 का शेयर है उसने कितने में इशू किया, 12 रुपए में इशू किया। तो क्लास अगर 10 का शेयर 12 में इशू करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड एट प्रीमियम, राइट। और पैसा कैसे मंगवाएंगे, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 4, तो 3 + 5 + 4 टोटल करें कितना होता है, 12 हो गया। मतलब इन्होंने प्रीमियम जो है अलॉटमेंट में हमें जोड़ के दिया है, राइट। जो 5 रुपए प्रीमियम, जो 5 रुपए अलॉटमेंट है ना वो विथ प्रीमियम लिखा भी है, प्रीमियम के साथ है, 2 रुपया है वो प्रीमियम जो है अमाउंट, वो जो 5 रुपए हमारा अमाउंट आया वो प्रीमियम के साथ है, कितना प्रीमियम, 2 रुपये। नाउ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर, कितने की एप्लीकेशन मिली, 8,000 प्लस मैंने कितने इशू किए थे, व्हाट वाज माय इशूड कैपिटल एंड व्हाट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। केतन अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, केतन है जो होल्डर है किसका, 400 शेयर्स का मतलब उसके पास 400 शेयर्स है, मेड द फुल पेमेंट, आई रिपीट, मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के टाइम ही उसने सारा पैसा भर दिया, सारा पैसा भर दिया मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा उसने भर दिया। मैडम ऐसा कहाँ लिखा है, इंग्लिश में वही चीज लिखी है, ओके। केतन अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, केतन जिसके पास 400 शेयर्स थे, मेड द फुल पेमेंट, उसने पूरा पैसा भर दिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब जब मैंने अलॉटमेंट का पैसा भिजवाया होगा ना, अलॉटमेंट का नोटिस भिजवाया होगा ना, तभी उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल सबका पैसा भर दिया। मैंने नोटिस बोला था कि नोटिस भेज रही हूँ कि भाई अलॉटमेंट का पैसा भरो, लेकिन उसने अलॉटमेंट के साथ किसका पैसा भर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया। कोई डाउट, क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े फिर, ओके नेक्स्ट। यस क्लास, सबसे पहले एंट्री कौन सी आती है हमारी, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अर्चना लिमिटेड, डेट फॉर्मेट सेम रहेगा, पार्टिकुलर्स LF अमाउंट एन अमाउंट, राइट क्लास, ओके। फर्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, राइट क्लास। कितना पैसा आया, कितने लोगों ने शेयर्स लिए, कितना पैसा आया हमें, 8,000 के 10,000, 8,000 के 10,000, 8,000 बिकॉज इट इज एन अंडर सब्सक्रिप्शन, तो 8,000 इनटू कितना है एप्लीकेशन का, 3 रुपीज, 8,324,000, राइट, ये हमारा एप्लीकेशन का पैसा है, ओके। अब बीइंग द
एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसके बाद एंट्री होती है इफ एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है कैपिटल में तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला, ध्यान यहाँ पर 24,000 मिला है, तो 24,000 पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यहां तक कोई डाउट क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट, अब मैं नोटिस भेजूंगी किसका, अलॉटमेंट का, बट ध्यान रहेगा हमें कि अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम है, राइट? प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है क्लास, प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, इनकम होती है। तो हमें पता है उसकी एंट्री कैसे करनी है। आपकी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये किसकी एंट्री, नोटिस भेजने की, राइट? ये किसकी एंट्री है क्लास, नोटिस भेजने की एंट्री है। लेकिन नोटिस भेजते टाइम हमें बताना है कि प्रीमियम का पैसा भी आपको भरना है, तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ अलग से लिखूंगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? अब कैसे अमाउंट फिलअप करेंगे, ध्यान देना। ओके, हम लोग अमाउंट फिलअप करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 5 रुपया अलॉटमेंट का पैसा है, अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 5 रुपया, राइट? तो जो अलॉटमेंट का पैसा है वो अलॉटमेंट में लिख देते हैं 5 रुपीज। ओके, नाउ अगर ये टोटल करके हमने देखा था कितना था, 3, 5 एंड 4, टोटल करके 12 है, और ये जो है अलॉटमेंट वो प्रीमियम के साथ है। अगर इसमें मैं प्रीमियम नहीं डालती तो मेरा ओरिजिनल अलॉटमेंट कितने का होता, मेरा ओरिजिनल अलॉटमेंट होता 3 रुपीज का, राइट? मेरा ओरिजिनल अलॉटमेंट 3 रुपीज का होता, लेकिन प्रीमियम ऐड करने के बाद अब वो हो गया 5 रुपीज का, राइट? मेरा ओरिजिनल अलॉटमेंट था 3 रुपए का, लेकिन प्रीमियम ऐड किया 2 रुपया, तो अब वो हो गया 5 रुपीज का। तो अब लोग जो है, मैंने जो नोटिस भेजा है, तो लोग जो है मुझे कितना पैसा भरेंगे, 3 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया? 5 रुपया, बहुत सिंपल है। मैंने उनको बोला 3 रुपए का वैसे ओरिजिनल होता है, 2 रुपए आपको प्रीमियम का भरना है, 5 रुपए भरना है टोटल, राइट? तो आपको अब 5 रुपए भरना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना क्लास, प्रीमियम को प्रीमियम की जगह लिखेंगे 2 रुपया, कैपिटल बोलता है मेरे पास ओरिजिनल डालो, मेरी ओरिजिनल अलॉटमेंट कितने की थी, 3 रुपए की, अब अलॉटमेंट में पैसा आएगा 5, तो हो गया मेरा टैली, 5 मैंने डेबिट किया, 3 और 2 मैंने क्रेडिट किया, बस मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से, 8,000, 8,000 एंड 8,000, तो 8,000 × 5 40,000, 8,000 × 3 24,000, 8,000 × 2 16,000, कोई डाउट क्लास? यस क्लास, अब ध्यान दो, मैंने नोटिस भेजा भाई अलॉटमेंट का पैसा भरो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, राइट? ये मैंने क्या किया, अलॉटमेंट। नाउ नेक्स्ट,
अब ध्यान दो, नोटिस भेजा है तो क्या आएगा? पैसा आएगा, राइट? कितना पैसा आएगा? कितना मंगवाया था? 5 रुपए मंगवाया था, 2 रुपए मंगवाया था कि 3 रुपए मंगवाया था? 5 रुपए मंगवाया था, मतलब अगर अमाउंट की बात करूं तो टोटल मैंने 40,000 मंगवाया था, एक शेयर पे 5 रुपया था, मैंने टोटल कितना मंगवाया था? 40,000। अलॉटमेंट के सामने देखो, अलॉटमेंट के सामने मैंने कितना अमाउंट लिखा है? 40,000। तो अगर 40,000 मंगवाया है तो 40,000 पैसा आएगा। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जब मैं पैसा काउंट कर रही थी तो देखा मैंने कि हाँ अलॉटमेंट का पैसा आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 40,000। आपने 40,000 मंगवाया था, 40,000 पैसा आया, लेकिन बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ध्यान दो, मैं जब पैसा काउंट कर रही थी तो मैंने ये देखा कि अलॉटमेंट का 40,000 तो आ गया है, लेकिन केतन ने जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के नोटिस का जब पैसा भरा था तब उसने बाकी का पैसा भी भर दिया, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी उसने पैसा भर दिया। तो उसने कितना पैसा भरा होगा? अलॉटमेंट तो भरा ही है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है? 4 रुपए है, मतलब उसने 1600 भी उसने एक्स्ट्रा भर दिया, मतलब मेरे बैंक में 1600 एक्स्ट्रा आ गया। तो मुझे केतन ने फोन करके बताया, मतलब उसने बताया कंपनी को, भाई मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा भर रहा हूँ, ठीक है? तो उसने अभी भर दिया, मुझे रिसीव हुआ पैसा। कब रिसीव हुआ पैसा? मुझे रिसीव हुआ अलॉटमेंट के टाइम, जब मैंने अलॉटमेंट के लिए मांगा था तब उन्होंने क्या किया था, केतन ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भी भर दिया था। तो मुझे रिसीव हुआ ये फाइनल कॉल का पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के टाइम। तो मैं एंट्री मारूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। मैंने कहा ठीक है, तूने जो एक्स्ट्रा पैसा भरा है ना, मैं अलग से लिख देती हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। मैंने अभी रिसीव किया, हाँ ये अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, मैंने अभी तक नोटिस नहीं भेजा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, लेकिन उसने अभी पैसा भर दिया, ठीक है? तो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बीइंग द एडवांस, बोलो बीइंग द कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव। यहां तक कोई डाउट क्लास? लिया मैंने क्या किया, मैंने अलॉटमेंट का लेटर भेजा, अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया, लेकिन किसी एक जन ने अलॉटमेंट के साथ, कौन सा वो जन था? उसका नाम था केतन। अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा भर दिया। तो मैंने एडवांस की एंट्री लिख दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? जो उसका एडवांस में पैसा आया था वो मैंने अलग से लिख दिया, ओके? अब मैं लेटर भेजूंगी किसका? अब मैं लेटर भेजूंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसको अभी भरना था लेकिन वो पहले ही भर चुका है। तो ठीक है, मैं लेटर भेजती हूँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों को लेटर भेजू? वो उसको लेटर भेजू केतन को, जिसने एडवांस का पैसा भर दिया था, उसको लेटर भेजू? सबको लेटर भेजेंगे। 8,000 इंटू कितना है? 4, 32,000। जैसे मैंने लेटर भेजा वैसे ही उसका फोन आ गया, क्या मैडम मेरे को लेटर भेजा आपने, मैंने तो एडवांस में पैसा भर दिया था, मेरे को याद आ गया, हाँ हाँ आपने एडवांस में पैसा भर दिया था। तो क्लास
एडवांस में पैसा भर दिया था उससे कुछ नहीं, लेटर सबको भेजना है, राइट? लेटर आपको सबको, नोटिस आपको सबको देना है, ओके? ठीक है, बीइंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, लेटर सबको जाएगा, उसने एडवांस में पैसा भर दिया तो भी लेटर सबको जाएगा, राइट? अब क्लास अब ध्यान देना, अब क्या केतन वापिस से पैसा भरेगा 1600 रुपए? नहीं भरेगा, मतलब अब जब अलॉटमेंट का सॉरी फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो कम आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कितना पैसा कम आएगा, कितना आने वाला था 32,000, मैंने नोटिस भेजा 32,000 का, तो 32,000 पैसा आने वाला था, लेकिन अब 1600 रुपए कम आएंगे, 1600 रुपए कम आएंगे, बिकॉज केतन मुझे वापस से पैसा देगा नहीं, तो कितना पैसा आएगा बैंक में बताओ, 32,000 आने वाला था, 1600 कम आएंगे तो कितना आएगा? ₹30,400 ही पैसा आएगा, आने वाला था 32, देखो मैंने नोटिस भेजा था 32,000 का, लेकिन बट ऑब्वियस है केतन पहले ही अलॉटमेंट के टाइम ही मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भर चुका है, तो केतन वापिस से पैसा भरेगा नहीं, तो 32,000 में से 1600 रुपए कम आएंगे तो कितने आएंगे, सिर्फ 30,400। जैसे मैंने नोटिस भेजा था वैसे ही केतन का मुझे फोन आया, कंपनी को फोन आया कि मैडम मैंने ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस में देखो आपको अपने, मैंने बताया भी था आपको कि मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी भर रहा हूँ, ये मैंने कब भरा था, अलॉटमेंट के टाइम भरा था, राइट? क्या मैंने अलॉटमेंट में मांगा था, क्या कंपनी ने अलॉटमेंट में उससे पैसा मांगा था? नहीं, लेकिन उसने भर दिया, कौन सा पैसा भर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भर दिया, तो जब उसने पैसा भरा तो मैंने एंट्री नहीं की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, क्या इसकी ड्यू डेट अभी थी, नहीं इसकी ड्यू डेट अभी की नहीं थी, इसकी ड्यू डेट अब आई है जब मैंने नोटिस भेजा, तो क्लास अब आपको सेकेंड एंट्री इसकी करनी पड़ेगी कॉल्स इन एडवांस की, कॉल्स इन, ये एडवांस का पैसा किसका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना कितना एडवांस में भरा था उसने, 1600। कोई डाउट क्लास? यस क्लास ध्यान दो, क्या किया मैं फिर से बताती हूँ, ओके क्या किया है, देखो मैंने अलॉटमेंट का लेटर भेजा, एज सिंपल अलॉटमेंट का लेटर भेजा प्रीमियम के साथ, अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया, लेकिन लेकिन क्लास जब अलॉटमेंट का पैसा आया तब केतन ने 400 रुपए एक्स्ट्रा 400 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा भर दिया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, राइट? तो मैंने एंट्री लिखी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, केतन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी साथ में पैसा भर दिया था, तो अलॉटमेंट का तो पैसा उसका आया ही है, साथ में 1600 रुपए और एक्स्ट्रा आए, तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, क्या मैंने मांगा था, नहीं मैंने नहीं मांगा था, उसने अपने मर्जी से भरा है, तो जब उसने पैसा भरा मतलब जब मैंने पैसा रिसीव किया तो मैं एंट्री मारूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, अब मैं लेटर भेजूंगी किसका, अब मैं लेटर भेजूंगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का,
क्या लेटर भेजूंगी, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगवाना ही है बाकी शेयर होल्डर्स से। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट है, पेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किसको लेटर भेजू? सबको लेटर, सबको जाएगा 8,000 × 4 = 32,000। क्या केतन फिर से पैसा भरेगा? बहुत सिंपल है, क्या केतन फिर से पैसा भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों भरेगा? उसने ऑलरेडी भर चुका है। तो 32,000 का मैंने नोटिस भेजा था, तो 1600 रुपए कम आएंगे। कितने आएंगे? सिर्फ 30,400 ही आएंगे। आने वाले थे 32, लेकिन 1600 रुपए कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? बिकॉज केतन ने ऑलरेडी पैसा भर दिया है। तो मेरे बैंक में पैसा कितना आएगा? सिर्फ 30,400, क्योंकि केतन दोबारा से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा देगा नहीं। एक्चुअल में अब उसकी एंट्री आएगी, ड्यू अब हुआ था फाइनल कॉल, तो हम इसकी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, किसका पैसा है ये? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ये रिसीव करने की एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जब मिला तभी एंट्री मारेंगे, और ये एंट्री कब मारेंगे? जब इसका एक्चुअल में ड्यू हुआ है। ये ड्यू अब हुआ है, जब मैंने नोटिस भेजा तब ये ड्यू हुआ है। ओके, तो एंट्री आएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कोई डाउट क्लास? समझा? बीइंग द एडवांस मनी ट्रांसफर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई डाउट? क्लास कॉपी कर लो इसे। यस क्लास, वी हैड कंप्लीटेड द सम, हमने पूरा सम कंप्लीट कर लिया है। ओके, आप और प्रैक्टिस करें पूरे कॉल्स इन एडवांस की। आपका जो कॉल्स इन एडवांस है उसका कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया कि कैसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द अपग्रेडेशन, मतलब थोड़ा सा और अलग से सम्स आएगा। वी हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ कॉल्स इन एडवांस, और भी प्रैक्टिस करनी है हमें, तो और भी सम्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग नए टॉपिक के साथ तो प्रोबेबली नहीं, बट हम लोग पहले का रिविजन करेंगे। ओके, आप पहले के वीडियोस देखें, बिकॉज मेरा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज स्कोर फीचर, वो लास्ट टॉपिक बचा है। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग को पहले के सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें, प्रो रेटा, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारा ये बेसिक थोड़ा थोड़ा क्लियर है तो हम लोग फोर्थ फीचर कर पाएंगे। ओके, एंड अब आपको सम्स ऐसे नहीं आते हैं कि आपको एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक के आएंगे, नहीं, आपको वो मर्ज भी पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स और प्रीमियम उन्होंने साथ में पूछ लिया, कॉल्स इन एडवांस और डिस्काउंट उन्होंने साथ में पूछ लिया, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मर्ज होके आती हैं। हमने जो प्रैक्टिस किए वो सिंगल सिंगल सम प्रैक्टिस किए हैं, आपको सारी चीज़ें मर्ज होके भी आती है, फोर फीचर भी वो लोग एक ही सब में डाल देते हैं। ओके, बट हम लोग डोंट वरी, विल डू द प्रैक्टिस, हम लोग बहुत सारे सम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आज का लेक्चर हम लोग, आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यू हैव एनी डाउट यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय क्लास।